भवारना भाडल देवी कथियाणा सड़क के विस्तार एवं सुधार कार्य के लिए प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत 1,85,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वो ग्राम पंचायत वोदा सिहोल और मनसिवल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में 3,90,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बिपिन सिंह परमार ने ग्राम पंचायत मनसिवल के बाडल देवी में सुल्हा हल्के के निर्धन परिवारों से संबंधित 22 लड़कियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के 8,80,000 रुपए के चेक वितरित करने के उपरांत लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज वह आप सभी लोगों का चुनावों में प्राप्त जन समर्थन के लिए आभार प्रकट करने के लिए भी आए हैं। उन्होंने कहा कि सुल्हा के लोगों ने उन्हें विधानसभा पहुंचाकर अपना कार्य कर दिया है और अब सुल्हा में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी उनकी है। मंत्री बिपिन सिंह परमार ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों विशेषकर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और अनुसूचित जाति उप योजना में चालू वित्त वर्ष में 1,583 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। परमार ने कहा कि हमारी पिछली सरकार ने योजना बजट में अनुसूचित जातियों की जनगणना अनुरूप अनुसूचित जाति उप योजना आरम्भ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न सामाजिक पेंशन योजनाओं में 4,00,000 से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है और वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि 70% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की पेंशन को भी बढ़ाकर 1,300 रुपये किया गया है। उन्होंने इस अवसर पर दमेला शमशान घाट के सौंदर्यीकरण के लिए 2,00,000, गांव के लिए 10 सोलर लाइटें, स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 5,100, किसान क्लब भाटल देवी के लिए 11,000 रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सेठुआ दा चौ को ठीक कर लोगों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। कि यहां पर भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा पहले भी आता था, पैसा अब भी आ रहा है, अब रंग दिखना शुरू हो गया, पहले वो दिखता नहीं था। इसलिए मैं ड्रिंकिंग ग्रामीण क्षेत्र में इस इलाके में पीने की प्यास को बुझाने के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि आपका ये मनसिंबल पंचायत, सिहोल पंचायत, बोदा पंचायत, इन पंचायतों में पीने के पानी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 388 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है। अब हम पानी के लिए पालमपुर पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम नजदीक कहीं दहन के नजदीक ट्यूबवेल लगाएंगे और वो दहन का पानी आपके इस तमाम इलाके के लोगों की पीने की प्यास को बुझाएगा। विभाग इसके ऊपर तत्परता से काम कर रहा है और काम ही नहीं, हमने टारगेट निश्चित किया है कि साल सवा साल के अंदर अंदर ट्यूबवेल लगाने की बात है, पाइपों को बदलने की बात है, पुराना डाया जिसमें जंग लग चुका है, पानी तो आता है पर हमारे नलके में नहीं पहुंच, हमारे घर तक नहीं पहुंचता। ये मैं घोषणा कर रहा हूं कि समय अवधि में इस पीने के पानी की स्कीम को हम पूरा करके देंगे। और आपके और भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी आए थे बभारना भाडल देवी और के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शिलान्यास किया। आपके इसी गांव से होते हुए लगभग 1,85,00,000 रुपए की स्कीम की सड़क का निर्माण यहां पर होगा। बढ़िया अच्छी सड़क जो है हम बना करके देंगे। और मैंने कथियाड़ा वासियों को ये कहा है कि अगर आप जमीन देते हैं तो आने वाली उस सड़क को कहीं हम स्लो के साथ जोड़ेंगे, रैपर के साथ जोड़ेंगे। ये उन भाइयों को भी मैंने अपनी तरफ से आश्वासन और आश्वस्त किया। भाइयों और बहनों, यहां पर हमारे बहन सीमा देवी जी ने कहा कि पंचायत घर बहुत पुराना है, तो उसके लिए भी मैं अपने पंचायती राज विभाग से बातचीत करूंगा और 5,00,000 रुपया इस पंचायत भवन के निर्माण के लिए मैं घोषणा करता हूं।
यानी पंचायत घर ऐसा हो जहां पर बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, लोग आए तो वो घंटों घंटों कहीं पत्थर पर बैठ करके समय ना बिता दे, लोग आए तो उनको बैठ के वहां पर भी कोई अच्छा उसका सौंदर्यकरण होना चाहिए, भवन बनना चाहिए, तो मैं 2 लाख रुपया उसके लिए भी संकल्प करता हूं। वो पैसा भी यहां पर आएगा। वैसे जब से मैं विधायक बना हूं मैं किसी स्कूल में गया नहीं, ये आपने पहला प्रोग्राम रख दिया। मैंने कॉलेज में भी मना किया, मैंने प्लस टू में भी मना किया, क्योंकि मैं बच्चों की पढ़ाई के बीच में विघ्न नहीं पैदा करना चाहता, पर आपने रख दिया। उसके लिए मैं अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, बच्चों ने बढ़िया प्रस्तुति की उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, और बच्चों ने बढ़िया कार्यक्रम किए उनको मैं अपनी ओर से 5100 रुपया देता हूं। और यहां पर जो किसान क्लब है, किसान क्लब यहां का बहुत सक्रिय क्लब है, मैं देखता रहता हूं, कहीं ना कहीं उनकी सहभागिता रहती है, तो मैं उनको भी अपनी ओर से किसान क्लब को 11,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।